नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम स्वागत है। और यहाँ पर हम बात करेंगे भाई बीएचयू जो कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब पेपर धीरे धीरे पास में आ रहा है, तो आपको जो है क्या करना है और कितने जो है क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे ताकि जो है आप जो कट ऑफ होगी उसके जो है सेफ जोन में हो सके, यानी कि आप जो है उसके पार रहें। ठीक है, तो भाई उसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। जो आपके रिमेनिंग डेज हैं, यानी जो आपके 7-8 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन जो आपके बचे हुए हैं, उसमें जो आपको किस प्रकार से चीज़ों को व्यवस्थित और तैयार करना है। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे यहाँ पे चीज़ों को। तो भाई देखिए, अब जो समय भी आपके पास जो बचा हुआ है, तो उसमें जो आपको सब्जेक्ट वाइज जो है आपके जो अच्छे सब्जेक्ट हैं उसको जो है थोड़ा सा उस पर समय कम करके जो थोड़ा सा कमज़ोर सब्जेक्ट उस पर भी आपको समय दे देना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब एक ही सब्जेक्ट सभी स्कोर करेगा, सभी सब्जेक्ट का वहाँ पे अच्छा खासा रोल होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो पहले हम डिस्कस करेंगे भाई कौन सा सब्जेक्ट जो है कितने मार्क्स लाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो आपका टोटल एग्ज़ाम होता है कितने मार्क्स का होता है भाई, 300 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन इसमें टोटल रहेंगे और सब्जेक्ट आपके कौन कौन रहेंगे भाई, मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री, ये दो जो है कंपलसरी हैं सभी के लिए। यानी ये चाहे भाई वो पीसीबी का हो, चाहे पीएजी का हो, चाहे पीसीएम का हो, यानी सभी के लिए भाई ये दो सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे, मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री। अब देखिए एग्रीकल्चर के आप हैं तो आपको 50 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे। अगर आप बायोलॉजी के हैं तो भाई इन दोनों के साथ आपको बायोलॉजी जोड़ दिया जाएगा। अगर एग्रीकल्चर से हैं तो इन दोनों के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। अगर आप मैथ के हैं तो इन दोनों के साथ जो है इसको जोड़ दिया, यानी आप अगर एग्रीकल्चर के हैं तो आपको ये तीन सब्जेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बायोलॉजी के हैं तो मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करना पड़ेगा। अगर आप मैथ के हैं स्टूडेंट भाई, मैथ और फिजिक्स आपको करना पड़ेगा भाई 25-25 क्वेश्चन यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, टोटल आपको 150 मार्क्स मिलेंगे मैथ और फिजिक्स के भी, बायोलॉजी के भी 150 मार्क्स और यहाँ पर एग्रीकल्चर के भी 150 मार्क्स। और मेंटल एबिलिटी की बात की भाई, इसमें जो है 25 क्वेश्चंस हैं तो भाई इसको जो है 75 जो है यहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के भाई 75 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस मतलब सब्जेक्ट में होती है, स्टूडेंट्स जो हैं सभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है किस में प्रॉब्लम होती है भाई, एक ही सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री, जो सभी का सर दर्द बना रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है भाई निराश होते हैं कि मतलब केमिस्ट्री नहीं हो पा रही, तो बीएचयू में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई यहाँ पे आपको ये नहीं होना है कि मतलब ये जो 25 हैं यही सब डिसाइड करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपके पास ये भी 25 है, अगर आप एग्रीकल्चर से तो आपके पास ये 50 क्वेश्चन है। आपके ये दोनों मिला के अगर देखा जाए तो भाई कितने हो गए टोटल, 70 क्वेश्चन हो रहे हैं। मान लीजिए 70 में से आपने पूरा 70 नहीं सही कर पा रहे हैं तो आप 60 तो करो। इस प्रकार चीज़ों करना है भाई, केमिस्ट्री इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि आप जो है 10 क्वेश्चन ना कर पाओगे, 70 आपका हो गया जो कि आपको इतना चाहिए, इससे ज़्यादा कर पा रहे हैं तो बेहतर है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है भाई। तो आपको ये नहीं कि मतलब एक ही सब्जेक्ट पे फोकस्ड रहना, नहीं भाई सभी सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा थोड़ा फोकस्ड करना पड़ेगा, जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। अब देखिए बचे हुए दिनों में क्या करना, आपको रिविज़न तो क्विक करना ही है, लेकिन अब आपको भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर उनको भी देखना है कि मतलब किस प्रकार के प्रश्न जो है पिछली बार आए थे। अब एक चीज़ और कि इस बार जो है जितने भी एग्जाम अभी बीएचयू के जो है एलएलबी का हुआ है, एबीएम का हुआ है, एमबीए का हुआ है, सभी जो पेपर अभी हुए हैं उसमें जो है क्या हुआ कि मतलब क्वेश्चन जो है थोड़ा मतलब टफ आए हैं। मतलब इस बार जो है जैसे यूपी कैडेट का पेपर जो है लेवल हाई रखा गया, यानी एनसीईआरटी के क्वेश्चन घुसाए गए, उसी प्रकार से हो सकता है बीएचयू में भी इसी प्रकार से चीज़ें आएँ कि जो आपके स्तर से थोड़ी सी ऊंची हों। मतलब पेपर इस बार टफ रहने के चांसेस यहाँ पर भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पढ़ाई भी आपको उसी प्रकार से करनी है, ये ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो केमिस्ट्री को थोड़ा और बेहतर तरीके से कम जो है उसमें आपको 10 से 12 तो करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो समस्या भाई कर देगा। मेंटल एबिलिटी भी ऐसा नहीं कि मतलब आप 25 में 25 ही कर पाएंगे, नहीं आप 20 से 21 18 तो आराम से कर लेंगे, सभी लोग 18 आराम से कर लेंगे। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो एग्रीकल्चर में भी आप जो है 40 प्लस कर लेंगे, ये है। तो वही है, आपको केमिस्ट्री पर भी थोड़ा सा फोकस्ड रहना पड़ेगा क्योंकि भाई बैकअप सब्जेक्ट तो लेके चलना पड़ेगा ना। एक तो आपका मेन सब्जेक्ट मान लीजिए एग्रीकल्चर से, आप तो मेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद सपोर्टिंग सब्जेक्ट जो है मेंटल एबिलिटी हो गया, लेकिन बैकअप सब्जेक्ट जो रहेगा इन दोनों को जो बैकअप देगा वो कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो भाई 50 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के हैं उसमें से आप मैक्सिमम कर सकते हैं 40+ आप कर सकते हैं, 40+ 42 आप कर सकते हैं आराम से। तो वही यहाँ पे भी रहेगा मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री। मेंटल एबिलिटी पे जो है आपका सभी लोग कर लेते हैं भाई। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि मतलब जो सब्जेक्ट सभी करते हैं उसमें अगर आप इसको नहीं करेंगे तो भाई समस्या रहेगी, लेकिन जो सब्जेक्ट कोई नहीं करता, मतलब जी केमिस्ट्री जो सबसे कम लोग करते हैं,
अगर उसमें जब आप स्कोर बनाएंगे, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अगर आप स्कोर बनाते हैं भाई, तब आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि भाई केमिस्ट्री जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो बीएचयू में अच्छा खासा जो है अपने स्तर को बढ़ा के रखता है, ताकि मतलब वहाँ से जो है प्रश्न को और पेपर को जो है टफ बनाया जा सके। इस वजह से जो मेन जो डिसाइड सब्जेक्ट करता है कौन सा, केमिस्ट्री डिसाइडर के रूप में यहाँ पे सामने निकल कर आता है। तो आपको करना है कि भाई केमिस्ट्री में जो है आपको पीरियडिक टेबल जो है उसको देख लेना है, आपके जो कंपाउंड्स हैं उनको देख लेना है, और जो मतलब हमारे रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको देख के जाना है, मतलब जो मोलरता वगैरह हो गया, बिलियन हो गया, ये सब चीज़ें आपको देखना है, डायोड से चीज़ें जुड़ी हुई आती हैं, मतलब ये सब चीज़ें जो मतलब कंपलसरी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देख के जरूर जाना है, मतलब वहाँ से जो है आपको चीज़ें मतलब पता चलेंगी भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पीछे आ रहे थे। ये नहीं कि मतलब उसी प्रकार के क्वेश्चन है, हाँ भाई रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ये भी है कि मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एग्रीकल्चर भी है और बायोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स भी है। तो मेन सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है किस पे, केमिस्ट्री में। अब देखिए आपको करना किस में कितना है उसके बारे में हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको भाई यहाँ पे जो है टोटल जो है अभी देखिए आगे कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया जाएगा, तो भाई यहाँ पे देखिए आप आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या है कि मतलब केमिस्ट्री यहाँ पे मेंटल बेटी 25। अब पहले हम पीएजी के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर ग्रुप के लिए। तो भाई 25 आपका हो गया मेंटल एबिलिटी, उसके बाद केमिस्ट्री आपका 25 हो गया और एग्रीकल्चर आपका 50 हो गया। भाई आपको करना क्या है, मेंटल एबिलिटी जो है उसमें जो है आपको 20 प्लस करना है, 20 प्लस यानी 22 हो जाए, 20 प्लस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बढ़िया है, आपको ये करना है। अब देखिए केमिस्ट्री आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आपको कम से कम जो है यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 40 कम से कम करना पड़ेगा। अगर आपका एग्रीकल्चर यहाँ पर केमिस्ट्री जो है वैसे भी एग्रीकल्चर वालों की थोड़ा कमज़ोर होती है, मतलब इतनी कमज़ोर नहीं होती, थोड़ा कमज़ोर होती है भाई, ठीक है, मैथ और बायोलॉजी वाले को अपेक्षा जो है थोड़ा कमज़ोर होती है। तो यहाँ पे देखिए आप जो है इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के अगर 60 मार्क्स बना लिए, 60 क्वेश्चन बना लिए, मार्क्स नहीं 60 क्वेश्चन आपने बना लिया, तो समझ लिया आप प्लस पॉइंट में चल रहे हैं। 60 प्लस आपने अगर बना लिया दोनों सब्जेक्ट को मिला के, तब आप केमिस्ट्री में जो क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 क्वेश्चन बना लेना है बस। अगर 10 आपने बना लिया तो आपके 70 हो गए, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यानी जो जनरल के आप स्टूडेंट है, अगर जनरल के स्टूडेंट है तो आपको कितना बना लेना भाई, जनरल के अगर आप स्टूडेंट है तो भाई आपको करना क्या है, 70 यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। 70 प्लस आपको रखना है, मतलब 70 से नीचे आपको नहीं आना है। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको भाई कितने रखने पड़ेंगे, 68 कम से कम रखिए, 68 मान लीजिए, इसको जो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ भी सकता है, इस बार 72 भी हो सकती है, ठीक है। जो पिछली बार की कट ऑफ थी भाई कितनी थी, 68 थी, और इस बार का बार की जो कट ऑफ है वो बढ़ सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है एससी की अगर बात की भाई, एससी के लिए आपको जो है कितना करना पड़ेगा, 65, और एसटी के लिए जो आप 60 तक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है भाई यहाँ पे जो है देख सकते हैं चीज़ों को जो है कितने आसानी से किया जा रहा है। भाई पीएचजी के आप हैं, मतलब 60 से नीचे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर पेपर हार्ड हुआ तो भाई नीचे भी आ जाएगी, लेकिन आपको जो टारगेट कितने का रखना है, 70 प्लस का आपको टारगेट रख के चलना भाई, जनरल और ओबीसी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो भाई 70 प्लस आपको रख के चलना है। अगर एससी और एसटी के स्टूडेंट भाई आप जो है जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतनी अच्छी आपको रैंक मिलेगी, अभी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर बात करें भाई यहाँ पे पीएजी के बाद जो है पीसीबी की अगर बात की भाई, जो बायोलॉजी वाले ग्रुप वाले हैं उनकी अगर बात की भाई, बायोलॉजी वालों को क्या करना है भाई, इसी प्रकार से बायोलॉजी वालों को भी अपना करना, जो मेन सब्जेक्ट है पीसीबी भाई, जो आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पीसीबी नहीं रहेगा, सॉरी मेंटल एबिलिटी रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री हो गया और ये हमारा बायोलॉजी हो गया और यहाँ पे मेंटल एबिलिटी हो गया, ठीक है। इनके लिए केमिस्ट्री नहीं है भाई यहाँ पे, सॉरी इनके लिए फिजिक्स नहीं होती, बायोलॉजी वाले जो होते हैं उनके लिए फिजिक्स नहीं होती। 50 क्वेश्चन यहाँ पे इनका बायोलॉजी का और मेंटल एबिलिटी 25, और 25 जो है यहाँ पे हो गया आपका केमिस्ट्री का। तो भाई आपको जो है केमिस्ट्री का यहाँ पे जो है 25 जो है इनकी, देखिए बायोलॉजी वाले जो है स्टूडेंट जो बायोलॉजी वाले होते हैं उनकी जो है केमिस्ट्री भी थोड़ा अच्छी होती है, इस वजह से जो आप इसमें भी स्कोर बना सकते हैं, 12 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। और बायोलॉजी के भाई आप स्टूडेंट भाई आप 40 तो करेंगे, तो भाई 40 और इधर जो है अगर 10 लेके चला जाए तो भी आपके यहाँ पे हो गए 50, ठीक है। और इसमें जो है आप वो 20, तो आपके 70 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। तो यही आपको ध्यान रखना, मतलब आपका टारगेट क्या रहना चाहिए भाई, 70 क्वेश्चन का टारगेट कम से कम रहना चाहिए, मतलब जिसमें जो है गलती ना के बराबर हो, यानी 1 से 2 गलती हो, तुक्का आपको लगाने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। तुक्का लगाने की कोशिश नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करना है, क्योंकि भाई निगेटिव मार्किंग है भाई, निगेटिव मार्किंग के लिए आपको जो है यहाँ पे तुक्का नहीं लगाना, 1/3 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। पीसीएम में भैया यही चला सिस्टम,
यहाँ पे देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगी, फिजिक्स भी आपका 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री भी 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे मैथ भी 25 क्वेश्चन, और आपका जो है यहाँ पे मेंटल एबिलिटी भी 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई आपको जो है फिजिक्स और मैथ यहाँ पे दोनों जो है 50 मिला के जो है 25-25 दोनों 50 बनाते हैं। तो भाई आप दो है मैथ और फिजिक्स जो है दोनों एक दूसरे से जो है रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो भाई इसमें जो है आपको दोनों का मिला के जो है 25 और 25 में जो है कितना करना पड़ेगा, 40 प्लस आपको स्कोर करना है। केमिस्ट्री भाई वही आपको 10 से 12 आपको कर ले जाना, कम से कम भाई मैक्सिमम जितना कर लो वो आपके लिए उतना ही बेहतर है। और यहाँ पे भाई यहाँ पे जो है मेंटल एबिलिटी में वही आपको 20 प्लस लेकर चलना है, 20 प्लस आपको मेंटल एबिलिटी में लेकर चलना है। तो भाई सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट रहे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट रहे वो क्या रहेगा आपका, एक मेन सब्जेक्ट अगर आप बायोलॉजी से तो बायोलॉजी होगा, अगर आप मैथमेटिक्स से तो मैथ और फिजिक्स होगा, एग्रीकल्चर से तो एग्रीकल्चर होगा। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हो कौन सा भाई, मेंटल एबिलिटी होगा, ठीक है। जो सबसे लो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो कौन सा है, केमिस्ट्री है भाई। कुछ लोग की अच्छी होती है केमिस्ट्री, मतलब जिनका स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत अच्छी बात भाई, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका कमज़ोर है उनके लिए जो उनका मेन सब्जेक्ट और एक मेंटल एबिलिटी दो सब्जेक्ट जो है आपके यही होते हैं सबसे अच्छे। देखिए अगर आपकी केमिस्ट्री कमज़ोर है तो आप जो है उसको लेके परेशान ना होइए, आपका जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है और एक जो बैकअप सब्जेक्ट है यानी जो मेंटल एबिलिटी, उन दोनों पर ज़्यादा फोकस्ड रहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप 25 जो केमिस्ट्री क्वेश्चन है उसमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, इतने भी आप कमज़ोर नहीं हो। तो आपको भाई करना क्या है, मुख्य रूप से जो है इस पर ध्यान देना है कि आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने भाई, 70 प्लस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आपके जो है यानी इस पर देखिए पिछली बार जो है 228 जो है मार्क्स पर जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नंबर था 228 मार्क्स जो है मैक्सिमम नंबर थे, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्शन जो हुआ था 200 जो है 5 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। तो भाई इस बार जो है आपको थोड़ा से बढ़ा के करना है, 228 जो है 235 तक भी जा सकता है, 244 तक भी जा सकता है मैक्सिमम लोगों का, ठीक है। तो आपको जो है यही रखना है कि मतलब जो है 70 प्लस, ताकि आपको जो 210 से जो है ऊपर मार्क्स आ सकें, गलत कम से कम होने चाहिए भाई। ये थी आज की जो है रणनीति के बारे में। तो आगे जो है कट ऑफ जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जो है चीज़ों को बताया जाएगा, ठीक है। ओके, और कोई समस्या है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।